स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है और एक्स वाई जेड की वैल्यू में फाइंड करनी है. कंडीशन दे रखी है a इक्वल्स टू y, a इक्वल टू y. बेटा सबसे पहले a डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ a. देखिए r1 है इसको c1 बना लेंगे 2yz और r2 को c2 बना देंगे एक्स वाई एंड माइनस जेड एंड इट इज एक्स माइनस वाई एंड जेड. ए इज एज इट इज 0 टू वाई जेड एक्स वाई एंड माइनस जेड एक्स माइनस वाई एंड जेड. दिस इक्वल्स टू आई. बट आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का ए होगा. तो थ्री ऑर्डर का होगा 3/3 0 1 0 and 0 0 1. Then multiply both. This is R1 and this is C1. R1 किससे multiply करेगा? C1 से. 0 into 0 0 x square and also x square. ये इसको करेगा 0 xy and minus xy. Then ये इसको करेगा 0 माइनस एक्स जेड एंड प्लस एक्स जेड. आर टू अगेन सी वन को तो 2y × 0 0 दिस इज एक्स वाई एंड माइनस एक्स वाई. अगेन सी टू को 2y × 2y 4y² प्लस y² एंड अगेन प्लस वाई स्क्वायर. चेक कर लो 2y × 4y² एंड प्लस वाई स्क्वायर. देन दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय c3 दिस इज 2yz माइनस yz एंड माइनस yz. अगेन r3 इसको c1 को मल्टीप्लाई करेगा 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स. अगेन 2yz माइनस yz एंड माइनस yz. इसको इससे करेंगे इसके तो ये जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर करेक्ट इज इक्वल टू 100 010 एंड 001. Then simplify it. X square and x square 2x square cancel out. 0 cancel out. 0 also cancel out. 0, 4, 5 and 6. 6y square yz 2yz 0 and here is also 0 and minus yz minus yz 2yz as you can see. 0 and this is 3z² is equals to identity matrix 100 010 001. बेटा इसमें देखो अब हमारे पास कितने मैट्रिक्स हैं? दो मैट्रिक्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड. बहुत आर इक्वल तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी. तो अब आप इसको इक्वेट कर दीजिए. ये फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल होगा मीन्स 2x² is equal to 1 and this value will equal to 1 means 6y² equal to 1 and 3z² will equal to 1 means 3z² equals to 1. Finally x² equals to 1/2 and x equals to plus minus 1/√2. Similarly, 6 upon 1 chala jayega, y² 1/6 and y equals to 1/√6 and plus minus. Here is z² equals to 1/3 and z equals to plus minus 1/√3. Yes, here also. Simple tha. Ye condition dhe rakhi thi hamare ko a equals to i. A ki value given hai. Pehle a ka transpose likh diya. A ya put kar diya. Aur i aapko usi order ka use karna jis order ka a. Then dono ka product kiya. कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट कर दी
और इक्वेशन जो जनरेट हुई उससे हमने एक्स और जेड की वैल्यू फाइंड किया। ओके इट्स अ गुड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा सिंपल सा प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले आप देखो ये हमारे पास आर वन है, इसकी सी वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन के साथ में वन टू टू जा फोर एंड वन इंटू वन वन। सिमिलरली सी टू से वन इंटू टू टू अगेन टू इंटू जीरो जीरो वन इंटू जीरो जीरो। इसको इसके साथ में तो वन इंटू जीरो जीरो टू वन जा टू एंड वन इंटू टू टू, ये हमारे पास का प्रोडक्ट हो गया। देन जीरो टू एंड एक्स। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना है फोर फाइव सिक्स, सिक्स करेगा जीरो से जीरो और टू टू करेगा टू से फोर, यहां कितना है फोर, फोर करेगा इससे, दिस इज फोर एक्स, ठीक है ना, ए प्लस। देन दिस इक्वल्स टू, ये क्या जीरो है ना, जीरो मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट जीरो होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स इंटीग्रेट करते हैं तो फोर प्लस फोर एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड फोर एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर, एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर अपॉन फोर, देन एक्स इक्वल्स टू माइनस। इजी क्वेश्चन था। बेटा क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है और स्टेटमेंट हमारे को प्रूव करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, थ्री माइनस वन वन एंड टू, देयर इज थ्री वन माइनस वन एंड टू, माइनस फाइव पुट हियर ए, दिस इज थ्री वन माइनस वन एंड टू एंड प्लस सेवन आई का ऑर्डर क्या होगा बेटा, जो ऑर्डर ए का होता है वही ऑर्डर होता है आई का यूज कर। मल्टीप्लाई आर वन और ये सी वन, थ्री थ्री जा नाइन, वन इंटू वन माइनस वन, अगेन थ्री वन जा थ्री एंड जी टू, देन माइनस थ्री एंड माइनस टू, इसको ऐसे माइनस वन एंड प्लस टू जा फोर, प्लस प्लस कैसे हुआ माइनस फाइव का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव प्लस फाइव एंड माइनस टेन प्लस सेवन जीरो जीरो एंड सेवन, देन सबको ऐड कर देते हैं, ये कितना हो गया एट, वहां से आ गया माइनस फिफ्टीन एंड प्लस हियर इज फाइव माइनस फाइव एंड प्लस जीरो, माइनस फाइव प्लस फाइव और लास्ट वाला जीरो, थ्री माइनस टेन एंड प्लस सेवन। कैलकुलेट करो क्या मिला कि जीरो जीरो इसका भी जीरो एंड जीरो एंड दिस इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स एंड दिस इज राइट हैंड साइड। सिंपल बेटा एक सिंपल क्वेश्चन है, तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स रखेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, तो इसके लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऑर्डर कितना है वन बाई थ्री, इसका ऑर्डर कितना है थ्री बाई थ्री, ये दोनों सेम होने चाहिए तो आंसर जो आएगा कितना किसका आएगा वन बाई थ्री का आएगा। इसको इसके साथ में एक्स को वन के साथ में एक्स माइनस जीरो एंड माइनस टू, देन इसको इसके साथ में तो जीरो माइनस का टेन एंड माइनस जीरो, देन इसको इसके साथ में टू एक्स माइनस फाइव एंड माइनस थ्री, एक्स फोर एंड वन पड़ा है इज इक्वल टू जीरो, दिस इज एक्स माइनस टू माइनस टेन एंड टू एक्स माइनस एट, हियर इज एक्स फोर वन इज इक्वल टू जीरो, अगेन मल्टीप्लाई। अब ऑर्डर कौन सा हुआ देखो, ये कौन सा है वन बाय थ्री और ये थ्री बाई वन, ये दोनों सेम होना चाहिए, रिजल्ट जो आएगा वन बाई वन, ये वैल्यू इसके सामने एक्स माइनस टू एक्स को करेगा
x square minus 2x minus 14 and plus का 2x minus 8 will equal to 0. 0 क्या है? Matrix है. 0 matrix का element लिखा होगा. 0 होगा. Then equate करो x square minus 4x and minus 48 is equal to 0. अब इसको आप करो factorize. कैसे करोगे? करो अपना बराबर करो. क्या हुआ? ये देखो ये माइनस और ये प्लस क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे. कैंसिल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 48. x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48. x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 48 और मतलब प्लस माइनस तो निकाल दो उसको. 16 इनटू 3 दिस इक्वल्स टू प्लस माइनस 4√3. ये इसका आंसर यानी वो प्लस माइनस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर ले एक वन मार्क में कभी आ सकता है. यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो या आप किस तरह से डिजाइन हुआ क्वेश्चन है. प्रोडक्शन है x टाइप y टाइप और z और दो तरह के मार्केट है बेचने की. फर्स्ट मार्केट है, सेकंड मार्केट. ईयरली x टाइप का जो प्रोडक्ट है उसके 10,000 यूनिट्स मार्केट फर्स्ट में सेल होते हैं और मार्केट सेकंड में 6,000 सेल होते हैं. सिमिलरली वाई प्रोडक्ट फर्स्ट मार्केट में 2,000 एंड सेकंड मार्केट में 20,000 सेल होता है. जेड प्रोडक्ट है 18,000 फर्स्ट मार्केट में और सेकंड मार्केट के अंदर 8,000 सेल होता है. सेलिंग प्राइस की 2.50 रुपीज, 1.50 रुपीज एंड 1 रुपीज. तो हमें फाइंड करना है कि ईच मार्केट में कितना रेवेन्यू इससे मिलता है. सपोज जो फर्स्ट मार्केट से A1 रेवेन्यू में जनरेट होता है और यहां से A2 रेवेन्यू जनरेट होता है. अभी डिजाइन जो मैट्रिक्स किया है वो करेक्ट है या नहीं चेक करना. इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/2. चेक करो ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम होनी चाहिए, मींस करेक्ट है. रिजल्ट जो आएगा कितना आएगा, 2/1. तो 2/1 से देखो आप इसका इसका प्रोडक्ट करेंगे, ये वैल्यू जाके 25,000 3,000 है 18,000 और 6,000 20,000 8,000 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीन वैल्यू जनरेट हो जाएगी. इन तीनों में प्लस किया तो क्या आ गया, 46,000. इन तीनों में प्लस करने से 53,000. ये A1 और ये तो दोनों टर्म्स को इक्वेट कर दें तो फर्स्ट मार्केट का जो रेवेन्यू है, फर्स्ट मार्केट रेवेन्यू A1 equals to कितना हो जाएगा, 46,000 रुपीस और सेकंड मार्केट से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपके पास आ जाएगा रुपीस 53,000. ये आपके पास मैट्रिक्स मैट्रिसेस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से कॉपी कर देंगे. अब इसने क्या बोला है, इसका प्रॉफिट निकालना है. तो एस भी तो हमारे दे रखा है, इसमें सीपी भी दे दिया इसे. यहां से थोड़ा चेंज कर देंगे, सीपी कितना दिया इसका है 2 रुपीज और इसका दे रखा है 1 रुपी और इसका दे रखा है 0.5. ये आपके वैल्यूज दे रखी है. तो जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को मैं P1 एंड P2 कंसीडर कर लेता हूं. तो देखो बेटा सेल प्रोसेसर दीज आर 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000. और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, 0.50 इज 1/2 हो गया और 0.50 एंड 0.5. ये क्या है मेरे पास, इसका प्रॉफिट है. फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट P1 एंड सेकंड मार्केट का प्रॉफिट P2. मल्टीप्लाई कर ले इसको इसका इसके साथ में 1/2 से करेंगे, ये कितना 10,000 है और इससे मल्टीप्लाई और कितना बच जाएगा 5,000. ये इसको करेगा तो 1,000, ये इसको करेगा तो हाफ कर दो सीधा सा
माइंड ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब 1/2 तो होता है। इसी तरह से इसको इससे करें कितना आएगा 3000 प्लस ये हमारे पास 10000 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 4000 इक्वल्स टू P1 एंड P2। देन ऐड करें 5000 6000 एंड 50 3000 और 7000 एंड 17000। ये क्या निकला है? प्रॉफिट भी कैसे निकाला? ऐसे जो लिखा था इस ईपी इसमें से माइनस करते हैं प्रॉफिट आ गया। P1 एंड ईपी P1 की वैल्यू कंपेयर कर दो आप, हम कंपेयरिंग P1 मतलब फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट 15000, P2 मतलब सेकंड मार्केट का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है आपको जरूरी टोटल प्रॉफिट हो दोनों का ऐड कर सकते हैं। बेटा ये 11th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा इसको, कई बार एग्जाम आया हुआ है और भी एग्जाम आ सकता है, बहुत केयरफुली देखेंगे। हमारे यहाँ पर एक ही मैट्रिक्स फाइंड करना है, ये गिवन है और इसका रिजल्ट भी गिवन है, दो गिवन देखे ये पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेटा सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा इसका ऑर्डर क्या होगा, उसके लिए पहले खाली लिख दें इसको 1, 2, 3 एंड इसका वैल्यू दे रखिए 4, 5, 6 एंड इसकी वैल्यू -7 -8 -9। बहुत सिंपल है बट इम्पोर्टेंट एग्जामिनर के लिए ये उसका फेवरेट क्वेश्चन। देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2/3 और इसका ऑर्डर 2 और 3 एक 2/3। तो देखो बेटा हमेशा ध्यान रखो कितना ऑर्डर इसको किस ऑर्डर का रखें, पहले बात तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल हो, मल्टीप्लाई के लिए इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है इसका नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ रोस का कितना 2 है, इसका कॉलम कितना होगा 2 होना कंपलसरी। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट को देखो यहां कितना 2/3 लिखा है, तो ये 3 और इधर वाला क्या होगा ये 2 ही होगा 100% 2/3। कैसे देख रहे हैं ये 2/3 है ना, इसका ये आउटर इसका पहले वाला, ये दोनों क्या होता है दोनों मिलके इसका ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं और ये दोनों सेम होने जरूरी है क्योंकि प्रोडक्ट के लिए कंपलसरी कंडीशन है। अब हमारे पास में 2/2 ऑर्डर का कोई भी एक मैट्रिक्स लिखना है, तो फर्स्ट एलिमेंट को ए बी सी और ये सेकंड थर्ड रो सी ए बी सी डी से कंसीडर कर लेते हैं। अब ए बी सी डी वैल्यू अगर आ गई तो हमारा काम हो गया, दैट इज एक्स मैट्रिक्स। अब बेटा देखो इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो देखें ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए इसको करेगा ए एंड प्लस 4 बी, सिमिलरली इसको करेगा तो 2 ए प्लस 5 बी, इसको इससे करेंगे तो 3 ए प्लस 6 बी, इसको इसके साथ करेंगे तो सी प्लस 4 डी, इसको इसके साथ में 2 सी प्लस 5 डी और इसको इसके साथ में करेंगे तो 3 सी प्लस 6 डी, करेक्ट। देन ऑलरेडी गिवन है -7 -8 -9 2, 4, 8, 6 थोड़ा केयरफुली माइनस उतनी है। अब हमें इसको क्या करना है कंपेयर करना, चार वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी कंपेयर करना है इसको। ये देखो ए ऑन कंपेयरिंग कंपेयर क्यों करना है, दोनों इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, ए प्लस 4b इक्वल टू यहां से क्या मिल जाएगा -7 ए और बी कैलकुलेशन ये रहा 2a प्लस 5b में क्या मिलेगा और 2a प्लस 5b कहां पर आएगा -7। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको 1 से तो कोई काम दिक्कत नहीं आएगी। 2a प्लस एलिमिनेशन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं 8b -14 वन से करेंगे तो 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू -8 माइनस माइनस एंड प्लस कैंसिल आउट, इसमें से ये क्या कितना बचा 3b और ये माइनस का 6 तो b इक्वल्स टू -6 अपॉन 3 दैट्स 2b इक्वल्स टू -8 ये क्वेश्चन तो आ गई मेरे पास। अब b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है हमारे पास a प्लस 4b
is equal to minus 7. B की वैल्यू आई माइनस 2, तो a माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 7, 8 से कर दो आप प्लस 8 माइनस 7, तो a इज इक्वल टू आता है 0. अब चेक करो a और b करेक्ट है कि नहीं, तो आप यहां पर वैल्यू रख दो, इन दोनों को हमने सॉल्व किए हैं, यहां वैल्यू रख दो आप, a की वैल्यू 1 रखेंगे 3 आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 12 और एक प्लस 3 माइनस 9 प्रोवाइड हो रहा है, इट मींस तो हमने वैल्यूज निकाली है करेक्ट. अब आपके उस c और d के लिए इन दोनों को ले लो आप, c plus 4d यहां से क्या देखा is equal to 2, एक और इक्वेशन 2c plus 5d is equal to कितना 4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख लेंगे, ये नंबर थर्ड और ये नंबर टू, इसको बेटा सॉल्व करने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से करेंगे क्या आएगा 2c plus 8d equals to 4, और इसको किसी से किया है 1 से किया है, तो ये 5d is equal to 10. हमारे पास बहुत केयरफुली देखना, 2c plus 5d, 2c plus 5d 4 है और ये 2, माइनस माइनस और माइनस, यहां से 0, ये 0 और हमारे यहां पर हो जाएगा 3d, तो d equals to क्या आ गया 0 को है, d अगर 0 रखूंगा तो c कितना आ जाएगा, देखो आप 2 आ जाएगा, C, B और A भी सारे पता चले, पहले अब चेक करना है हमारे को, थर्ड जगह रखो, देखें D तो 0 रख दिया और C की वैल्यू 2 रखो, 3 2 6 प्लस 0 6 मिलता है, इट मींस हमने काम किया हो बिल्कुल करेक्ट. अब हमारे पास में फाइंड करना है X मैट्रिक्स, X की वैल्यू कितनी है, A B C और D हमने कंसीडर किए थे, A की वैल्यू लिखो कितना है, A इज इक्वल टू 1, B की वैल्यू माइनस 2 एंड C 2 और d की वैल्यू कितनी है 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे 1 मार्क्स बनाने के पूरे चांसेस हैं. अभी आपके पास नए पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स ऑप्शन भी है, तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, x मैट्रिक्स आप फाइंड कीजिए, x की वैल्यू स्मॉल x नहीं है वो, x की एलिमेंट की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, ये मैट्रिक्स निकालना है आपको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके,